ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਸਜਣਾ ਤੇ ਬੈਲੀਆ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਤੋ ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਤੀ ਥੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਵੋ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਥੇ इसी मुंह से निकल कर आती थी। तो दोस्तों आज के बाद आपको ये चेहरा सुनने को मिलेगा और ये आवाज़ देखने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube हमें 100 सब्सक्राइब्स कंप्लीट होने पर क्या गिफ्ट देता है। तो गौर से सुनिए। ओके। इन्हें गौर नाल नहीं, YouTube ने हमें कोई प्लॉट नहीं ले देना, एक छोटा सा गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि YouTube हमें 100 सब्सक्राइब्स कंप्लीट होने पर कस्टम URL देता है। अब आपको शायद ना पता हो कि कस्टम URL क्या होता है, URL क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, आपको URL का भी पता चल जाएगा, कस्टम URL का भी पता चल जाएगा और अपने चैनल के लिए इसको कैसे क्रिएट करना है इसका भी पता चल जाएगा। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि हम अब कैमरे के सामने आ गए हैं यार। और एक और बात यार जो मैं आपको यार बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं कैमरे के सामने आकर वीडियो बना रहा हूँ। इवन कि मैंने कभी टिकटॉक पर भी अपनी वीडियो नहीं बनाई है। आप भाइयों का प्यार है कि यार मैं यूट्यूब पर पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने खड़े होकर। तो चलते हैं यार आज की वीडियो की जानब, चलिए फिर करिए स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंडक। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यार URL क्या होता है। दोस्तों देखें, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं और किसी भी एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप अपने चैनल के लिए कस्टम URL क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को यार कंप्लीट लाजमी देखिएगा, क्योंकि राज छाट के नहीं जानी है कि कंप्लीट देखना है। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि यार कस्टम URL क्या होता है। कस्टम URL का मीन कि आप अपनी मर्जी का URL अपने चैनल के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ के आप अपने चैनल का नाम ही URL में रख सकते हैं। इससे दोस्तों होगा ये, अगर देखने वाला जो है वो एक दफ़ा शॉकिंग होगा कि यार इसके URL में भी इसके चैनल का नेम है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार ना। तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे कस्टम URL को क्रिएट करना है। चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब आपने किसी भी स्टेप को मिस बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से आपने समझना है। तो ये एक चैनल है इस्लामिक फिका इनसाइट के नाम से, ये भी हमारा ही एक चैनल है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चैनल का URL आप देख सकते हैं कुछ रैंडम नंबर्स से बना हुआ है, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स से बना हुआ है। अब मैं आपको अपने चैनल का URL दिखाता हूँ, तो मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, तो इधर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का URL, उस चैनल के URL में और मेरे चैनल के URL में कितना डिफरेंस है। वो एक रैंडम URL है और आप इधर देख सकते हैं कि मेरे चैनल का URL एक तरतीब से लिखा हुआ, यानी कि मैंटेक बाय मज़हर मेरे चैनल का URL है। अब हम इस चैनल का भी कस्टम URL क्रिएट करने जा रहे हैं। आपने ध्यान से देखना है कि कस्टम URL कैसे क्रिएट करना है, ताकि आप भी अपने चैनल के लिए कस्टम URL क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपने इधर पिक्चर आपकी आ रही होगी, तो इस पर आपने सिंपली टैप कर देना है। तो इधर आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देना, इधर तो इधर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक नया पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो आपने इधर सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ये रही सेटिंग, इधर सेटिंग आपको दिखाई देगी, आपने इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर आपने चैनल फीचर यानी कि चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप चैनल फीचर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। आपकी सारी एलिजिबिलिटीज़ इधर लिखी हुई होगी, जिस जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं इधर लिखा हुआ होगा। और इधर ही कहीं कस्टम URL भी होगा। तो कहाँ रहा कस्टम URL, तो ये रहा कस्टम URL, आपने उधर से ढूंढ लेना है जहाँ भी हो कस्टम URL। आपने इस कस्टम URL को ढूंढ कर इधर अनेबल पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली इस अनेबल पर क्लिक कर देता हूँ। तो इधर आपको कस्टम URL लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसके सामने ही लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों दो बातें जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि आप बार बार अपने चैनल का कस्टम URL नहीं एडिट कर सकते। यानी कि ये नहीं कि आज आपने एक URL रखा, कल आपको यार लगे कि ये नहीं सही लग रहा, मैं इसको चेंज करता हूँ,
तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही अपने चैनल का URL बना सकते हैं और सारी ज़िंदगी वही है URL आपके चैनल पर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके चैनल का नेम आप अपने कस्टम URL में रखना चाहते हैं और पहले ही वो किसी ने रख लिया है तो आप नहीं रख सकते, यानी कि एक सेम कस्टम URL किसी का भी नहीं हो सकता। अगर आपके चैनल का नेम पहले ही किसी ने कस्टम URL में रख लिया हुआ है तो वो आप वही नेम अपने चैनल के कस्टम URL में नहीं रख सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल में मैनटेक मैंने बाय मज़र लिखा हुआ है, क्योंकि मैनटेक पहले ही किसी ने अपने कस्टम URL में क्रिएट कर लिया था तो इसलिए मैंने बाय मज़र खुद से लगा दिया तो मेरा कस्टम URL बन गया। तो अगर आपके चैनल के नेम का कस्टम URL पहले किसी ने नहीं बनाया हुआ तो इधर दो ऑप्शन आएंगे, पहले पर क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम ही रख सकते हैं, वही कस्टम URL में रख सकते हैं, और सेकंड पर क्लिक करके आप खुद में से भी कुछ यानी कि उधर ऐड यानी कि जैसे मैंने ऐड किया हुआ है मैनटेक बाय मज़र वैसे आप ऐड कर सकते हैं। और अगर पहले ही किसी ने आपका चैनल का कस्टम URL रख लिया हुआ है तो सिर्फ एक ही सेकंड वाला ऑप्शन ही आएगा जिसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो आप इधर सिंपली देख सकते हैं कि इस चैनल का कस्टम URL चेंज हो चुका है। तो ये थी हमारी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक लाजमी कर दीजिए, और मेरा आपको ये सेटअप कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने छोटा सा सेटअप बनाया अभी, और मेरी आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी ये लाजमी बताइएगा, क्योंकि यार पहली दफ़ा कैमरे के सामने आकर मैं बोल रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं हूँ नज़र और आप देख रहे हैं मानटेक चैनल। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं जो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ वो आपको शायद किसी के हज़ारों में सब्सक्राइबर हों उसकी परफॉर्मेंस मैं कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ यार, क्योंकि पहली दफ़ा कैमरे के सामने आया हूँ। हाँ तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, चलो निकलो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।